यहाँ पे कृष्ण भगवान का देहांतिम हुआ था। यहाँ भील करी के जो था ना, उसने कृष्ण भगवान को बाण मारा था। यहाँ से आगे गीता मंदिर है, वहां पे कृष्ण भगवान का देह त्याग हुआ था, यहाँ पे उसको बाण लगा था। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे, तब जरा नामक व्याध यानी शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर मारा, और व्याध का यह तीर भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पाम के तले में लगा और वही कारण बना भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का। और भगवान श्री कृष्ण अपने इस द्वापर युग की लीला को संपूर्ण करने के बाद में जा पहुंचे हैं गोलोक धाम, और एक बार पुनः और एक बार दर्शन कीजिए आप कि कैसे जरा नाम का ये शिकारी का जो तीर है वो भगवान कृष्ण के चरणों में लगता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज उस जगह पहुंच चुका है जहां की भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी ही अद्भुत लीला हुई है। वो कृष्ण जिसका जन्म मथुरा की जेलों में होता है और किस तरीके से वो वृंदावन में रास रचाते हैं और गुरुकुल के लिए सांदीपनी आश्रम जाते हैं, उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, उसके बाद हस्तिनापुर भी जाते हैं और उसके बाद वो सीधा द्वारकाधीश द्वारका में बनते हैं राजा। लेकिन द्वारकाधीश के पास में ही जो सोमनाथ पड़ता है 12 ज्योतिर्लिंगों में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अरब सागर है और मैं इस समय सोमनाथ तीर्थ आए हुआ हूँ, यानी कि सोमनाथ भगवान भोलेनाथ की नगरी में आए हुआ हूँ। यहाँ पर आने पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो जगह है वो भालका तीर्थ है, और भालका तीर्थ पे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ मृत्यु हुई है। जी हाँ, ये शब्द बोलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस समय हम आपको बताना चाहते हैं कि वो कृष्ण जो संसार में इतना लीलाएं उन्होंने की, उसी लीला के अनुरूप एक लीला में आप देखेंगे कि कैसे यहाँ भालका तीर्थ में जिस जो तीर कारण बना है भगवान श्री कृष्ण के पैर में। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम आपको उस स्थान का दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ भव्य है। आइए चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है उसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से भालका तीर्थ में आज लोग उस पल का उस लीला का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये मेरे पीछे अरब सागर आप देख रहे हैं, और अरब सागर से आपको सीधा लेके चलते हैं उस स्थान पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का। और आप इस समय देख सकते हैं कि हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर भगवान श्री भालका तीर्थ के नाम से जानते हैं, और भारत में जो कृष्ण प्रेमी है और भारत से बाहर जो कृष्ण में भक्त हैं वो सभी इस स्थान पर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो तीर था जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पे लगा है वही यहाँ पर कारण बना है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण। जब मैं भालका तीर्थ के अंदर मैंने एंट्री किया है तो आप देख सकते हैं कि इसको डेवलप के तौर पे आप इस समय देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पूरा बनाया हुआ है। और सामने की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो बट के दो वृक्ष आपको दिखाई देंगे, और इसके अलावा इसी बट वृक्ष के नीचे जो भालका तीर्थ का जो महत्व है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आप ही पढ़िए कितना सुंदर ये स्थान है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और यह प्राचीन पावन तीर्थ बेरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है। कथा के अनुसार मद्यपान से चूर यादवों का परस्पर कलह में संघार हुआ, इससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे, तब जरा नामक व्याध यानी शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को मृग का मुख समझ कर तीर मारा, और व्याध का यह तीर भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पाम के तले में लगा और वही कारण बना भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का। आप पूरा पढ़ सकते हैं कि कैसे जरा नाम का वो जो बहेलिया है और उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के इतने सुकोमल जो चरण हैं उसके अंगूठे को उसने मृग समझ लिया, या तो कहो भगवान की ही लीला समझो कि उन्होंने इस जो लीला है उस लीला को करना था भगवान श्री कृष्ण को। और जो तीर लगा है और जो पेड़ है उस पेड़ को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये पूरा भालका तीर्थ इसको कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है कि जो भक्त लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं वो इस तरीके का यहाँ पर दर्शन करते हैं। और आगे की तरफ हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर एक जो मंदिर है ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, और ये पूरा मंदिर आप देख पा रहे होंगे, और उस मंदिर के अंदर भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और चलिए मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं। नव निर्माण है जैसा कि आप देख सकते हैं,
ये जो स्ट्रक्चर है ये नव निर्माण है, पुराना नहीं है, लेकिन इस समय जो लीला है वो लीला इसी स्थान पर है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को वो जरा नामक बहेलिया का जो तीर लगता है वो तीर ही भगवान श्री कृष्ण। और इस तरह का आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रज से हमने शुरू किया और ब्रज से शुरू करने के बाद में आप देखेंगे कि कैसे ये अंतिम लीला हमारे कान्हा की, आप देख पा रहे हैं ये अंतिम लीला है हमारे भगवान श्री कृष्ण की। और यहीं पर, और ये शब्द बोलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन लीलाओं के अनुरूप जो लीला है वो तो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। और मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और सामने हमको भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नज़र आते हैं और कृष्ण का यहाँ पर होना ये देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पर दर्शन है। और वो जरा नाम का जो व्याद है, जो जरा नाम का जो बहेलिया था, इन्हीं का तीर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में लगा था, जो कि बहेलिया ने अंगूठे को जो मृग का मुख समझा और तीर उसी पे चला दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत लीला यहाँ पर हुई है। जो वृक्ष आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शयन कर रहे थे, यानी योग साधना में थे कान्हा, और पैर पे पैर रखकर वो बैठे हुए थे। तो ये जरा नाम का जो आप देख रहे हैं ये जो बहेलिया है, इसी का वो तीर है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में लगता है, और वही कारण बनता है भगवान श्री कृष्ण का इस लोक से अपने गोलोक पधारने का। और आप देख सकते हैं कि चरण को भी यहाँ पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर पुजारी जी भी हैं, उन्हीं से भी थोड़ा बातचीत करेंगे, लेकिन आप इस समय एक एक दर्शन कर सकते हैं। दोनों पैर भगवान के देख रहे होंगे, ऊपर वाला जो पैर है उसी में ये जो बही जो ये जरा जरा नाम का ये शिकारी जो बैठा हुआ है। और इस तरीके से ये अद्भुत लीला यहाँ पर हुई है और कैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ से इस द्वापर युग की लीला को समाप्त करके यहाँ से ऊपर अपने गोलोक गए हैं। प्रभु जी हमारे साथ में है, थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे। मंदिर का दर्शन करने के बाद में आपने देखा कि किस तरह से पूरी लीला को यहाँ पर संजोया हुआ है इस भालका तीर्थ में, और भगवान श्री कृष्ण अपने इस द्वापर युग की लीला को संपूर्ण करने के बाद में जा पहुँचे हैं गोलोक धाम। और एक बार पुनः और एक बार दर्शन कीजिए आप कि कैसे जरा नाम का ये शिकारी का जो तीर है वो भगवान कृष्ण के चरणों में लगता है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से सीधा अपने गोलोक जाते हैं। और भैया इनके जाने के बाद जो आकार मचा है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि इनका जाने का मतलब है द्वापर युग का जाना। और इस तरह का ये गंभीर जो विषय है, गंभीर जो वीडियो है ये, अच्छा ये जो पेड़ आप जो देख रहे हैं ना, इसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे हुए थे जो आप इस समय देख रहे हैं। इस तरह की अद्भुत लीला भालका तीर्थ गुजरात में सोमनाथ के पास में भगवान श्री कृष्ण अपने इस मानव शरीर को यहाँ पर छोड़ते हैं और इस लीला को द्वापर की यही शांत करते हैं और लीला को यहाँ पे शांति दे के वो गोलोक धाम के लिए निकलते हैं। आइए बाहर की तरफ आपको लेके चलते हैं और मंदिर के इस वाले हिस्से में आप देखेंगे कि ये पूरा जो दर्शन है, और इधर की तरफ ये जो सरोवर है, ये जो सरोवर है आप देखेंगे मंदिर के इधर की साइड में निकलते ही एक सरोवर भी यहाँ पर बनाया हुआ है। और इस सरोवर का आप जब दर्शन करेंगे इन सीढ़ियों के रास्ते, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण के भालका तीर्थ में ये सरोवर है, आप भी देखिए। और ये पूरा मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है और इस सरोवर के बीचों बीच मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं भालका तीर्थ का। मैं बाहर की तरफ आके आपको लेकर आया हूँ और ये आप देख रहे हैं ना एक शिवलिंग यहाँ पर, क्योंकि सोमनाथ भोलेनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से है, यहाँ भोलेनाथ का भी होना। देखिए पूरी लीला में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब भी भोलेनाथ कैसे नंदगांव पहुँचते हैं लाला के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर भी जब मृत्यु हुई है भगवान श्री कृष्ण की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोलेनाथ भी यहीं पर मौजूद है सोमनाथ के रूप में। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ भी आए हुए हैं और सोमनाथ में ही आपका ये भालका तीर्थ पड़ता है जहाँ पर। और अब हम आपको उस पेड़ की तरफ आपको लेके चलते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर ये देखिए एक यहाँ भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पर भी है और एक शिवालय का दर्शन जो आप इस समय कर रहे हैं।
और ये शिवालय का दर्शन जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, कण कण में यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है। वैसे मंदिर प्रांगण में भी आप देखेंगे कि कैसे माता पार्वती और माँ गंगा का भी ऊपर विग्रह बना हुआ है। और इधर बाहर की तरफ निकलेंगे तो आप पीछे की तरफ सरोवर देख ही रहे हैं, माँ पद्मेश्वर महादेव का दर्शन वहाँ पर होता है। आइए चलते हैं और आगे का जो दर्शन है वो मैं आपको कराता हूँ। भालका तीर्थ में हम जहाँ खड़े हुए हैं वो भगवान श्री कृष्ण का, कहते हैं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो मानव देह वो त्यागा है प्रभु जी। तो हमारे साथ में यहाँ के भैया हैं जो कि लोकल हैं, अब इन्हीं से पूछेंगे प्रभु जी यहाँ स्थान पर किस तरह की लीला हुई है। यहाँ पर कृष्ण भगवान का देह अंतिम हुआ था, यहाँ भील कर के जो था ना उसने कृष्ण भगवान को बाण मारा था। यहाँ से आगे गीता मंदिर है, वहाँ पर कृष्ण भगवान का देह त्याग हुआ था, यहाँ पर उसको बाण लगा था। यहाँ पे कृष्ण भगवान पानी पीने के लिए कुंड में वो घड़ा भर के निकाल रहे थे और भील ने मारा था। अच्छा, जरा जरा नाम के उसने। हाँ, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जरा नामक जो भेलिया था उसी का तीर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में लगा है। तो ये मंदिर तो काफी पुराना ही होगा, ये नया बना है? हमने रिनोवेट किया है। अच्छा, हमने थोड़े साल पहले रिनोवेट किया है, जूना मंदिर था और तोड़ के नया रिनोवेट किया है। अच्छा, आप यहीं पर रहते हैं? तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो भैया हैं जो यहाँ के लोकल निवासी हैं वो कह रहे हैं कि जो प्राचीन जो मंदिर था उसको अब नवनिर्मित कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस भालका तीर्थ को, और सामने की तरफ जो हम आपको लेके चलेंगे एक बगीचा टाइप का बना हुआ है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। चलिए आगे की तरफ हम आपको लेके चलें और आप देखिए इस मंदिर को देखिए आप, और यहाँ की लीला को देखिए कि किस तरीके से ये वही स्थान है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से जाना पड़ा है। और आप सोच सकते हैं इतना है, कोई सपने में भी नहीं ये बात सोच सकता, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी ही लीला में एक लीला की है और कैसे इस स्थान को उन्होंने चुना। और आप इस समय देख रहे हैं कि मेरे पीछे में ये पूरा बगीचा एक बनाया हुआ है और मेन गेट आप उधर की तरफ देख रहे हैं जहाँ से हमने एंट्री की है। और आगे की तरफ हम बढ़ें तो आप देख रहे हैं इस समय कि किस तरीके से यहाँ पर ये बगीचा बना हुआ है। और आपने देखा कि किस तरह से हमने भालका तीर्थ का आपको दर्शन कराया, और भालका तीर्थ जो कि भगवान श्री कृष्ण का कारण जो बना वो जरा नाम का एक शिकारी बना, जरा नाम की शिकारी का जो तीर है वो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में लगा, उसने सोचा कि अंगूठा मृग है, मृग समझ के उसने वो तीर छोड़ा और यही कारण बना भगवान श्री कृष्ण। साधु की जो जरा है वो जरा था कौन, जो शिकारी था वो जरा, आप त्रेता युग में आपने देखा होगा कि कैसे भगवान श्री राम ने बाली को जो धोखे से मारा है ये बाली का ही रूप है, बाली का ही अवतार इसको आप कह सकते हैं जरा को, जो कि इस समय द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से जो उलट लीला हो गई। कहते ना भगवान कृष्ण अपनी लीला में किसी को नहीं छोड़ते, आज वो खुद अपनी लीला में ही यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे जरा को अपना तीर है उसको कारण बनाया है, और वहाँ पर भगवान श्री राम धोखे से बाली को मारते हैं। तो बाली का अगला अवतार ही यहाँ पर जरा शिकारी को लीलाओं के अनुसार बताया जाता है, और ये लीला इस तरह से यहाँ पर भालका तीर्थ में यहाँ पर हुई है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। सोमनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ और भालका तीर्थ से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।